हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मछली पालन का तालाब के बारे में। बहुत बार आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि मछली पालन करने के लिए तालाब का जो साइज है वो हमें कितना लेना चाहिए, क्या एक एकड़ तालाब में मछली पालन किया जा सकता है या फिर 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ या इससे ज़्यादा या फिर इससे बहुत ही छोटा साइज तालाब में मछली पालन किया जा सकता है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मछली पालन करने के लिए जो तालाब का सिलेक्शन किया जाता है कल्चर प्रोसेस में, उसको अक्सर माना जाता है, एवरेज जो साइज माना जाता है वो है 1 एकड़। 1 एकड़ तालाब में बहुत अच्छा से मछली को पालन किया जा सकता है। हालांकि आप चाहे तो इससे कई गुना बड़ा साइज का तालाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं बड़ा साइज तालाब हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो मछलियां काफ़ी जल्दी ग्रो में आती है और मछली का साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने लगता है। कई यहाँ पे जो तालाब का सिलेक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये असल में डिपेंड करती है कि आप किस तरह का मछली पालन करते हैं। आप अगर बड़ा साइज का मछली पालन करते हैं जो मछलियाँ काफ़ी बड़ी होती है, ग्रोथ में काफ़ी बड़ी होती है, उस तरह का मछली को कल्चर करने के लिए तालाब का साइज काफ़ी बड़ा होना जरूरी है। नहीं तो ये मछलियाँ उतना जल्दी ग्रो में नहीं आती और आप जितना मछली को ग्रोथ करना चाहते हैं, जितना बड़ा करना चाहते हैं, उतना बड़ा मछलियाँ सही से हो नहीं पाती, जिसके वजह से आपको फिश फार्मिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए अब अगर आप कल्चर में बड़ा साइज़ की मछली को रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए तालाब का सिलेक्शन आपको बड़ी साइज़ में ही करना होगा, जिसके वजह से आपका फिश फार्मिंग सही से होगी। इसके अलावा भी कुछ फार्मिंग ऐसी है जिसमें हम लोग फिंगर लाइन मछली को बनाते हैं। बहुत सारे किसान हैं, छोटी छोटी मछली छोड़ते हैं, उसको फिंगर लाइन बनाते हैं या फिर 100 से 150 ग्राम तक बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा तालाब का ज़रूरत नहीं है। हाफ एकड़ या इससे कम ये तालाब में भी आप इस मछली को बहुत आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं। जिसको हम लोग फिंगर लाइन तालाब बनाते हैं उसमें स्पॉन्ज छोड़ते हैं ज़्यादातर मामलों में, तो स्पॉन्ज होने के 1 से 2 महीना बाद ही देखा जाता है जो मछलियाँ फिंगर लाइन हो जाती है, फिर इसको उठा के हम लोग सेलिंग करते हैं। तो उस तरह का मछली को फार्मिंग करने के लिए बहुत बड़ा तालाब का ज़रूरत नहीं है। हालाँकि बहुत जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ का तालाब होगा, आपका जो मछली है छोटा फिंगर लाइन मछली है वो बहुत ही जल्दी ग्रो में आती है। इसके लिए आप बड़ा साइज़ तालाब की भी सिलेक्शन करते हैं कर सकते हैं, जिसमें 1 एकड़ तालाब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम है आपके पास तालाब नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप छोटा साइज़ में कम मात्रा में फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बड़ा मछली को कल्चर कर रहे हैं, IMC जैसा मछली, रेहू का साइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी होती है, कातल काफ़ी बड़ी होती है, बिगेट सिल्वर इस तरह का मछलियाँ काफ़ी बड़ी होती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा साइज़ का स्पेस का भी ज़रूरत होता है, जिसके वजह से उसके लिए तालाब का साइज़ जो है कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर आप सही से मछली पालन कर रहे हैं, छोटा मछली पालन करें या बड़ा मछली पालन करें, आप अगर कम से कम 1 एकड़ साइज़ का तालाब को सिलेक्शन करते हैं तो आप फार्मिंग में जो मज़ा है वो ले पाएंगे। आपको वो टेंशन नहीं होगी कि मछली में ग्रोथ नहीं हो रहा है, मछली को सब कुछ कर रहा हूँ, फीडिंग दे रहा हूँ, फिर भी मछलियाँ सही से नहीं बढ़ रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप तालाब का साइज़ थोड़ा बड़ा कर ले। हालांकि छोटा तालाब में भी फार्मिंग हो सकता है, इसके लिए अलग अलग मछली को फार्मिंग किया जाता है, काफ़ी सारा वीडियो में उसके बारे में बताया हूँ छोटा तालाब में किस तरह का मछली को फार्मिंग कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में मछली को फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो कम से कम 1 एकड़ होने से अच्छा होता है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने कोशिश किया छोटी सी जानकारी था देने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ।